डियर व्यूअर्स, आप लोगों को रेस्क्यू अमर टोटो ईएमटी कोर्स के चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो फ्रैक्चर के हवाले से है कि अगर किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं और फ्रैक्चर को हम मैनेज कैसे करते हैं, इसमें हम फ्रैक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो फ्रैक्चर सीखेंगे वो है अपर लिम्ब फ्रैक्चर। अपर लिम्ब फ्रैक्चर, जो अपर लिम्ब होते हैं वो हमारे बाजुओं को हम कहते हैं। तो बाजुओं में जो फ्रैक्चर होगा उसे हम कैसे मैनेज करेंगे तो आज हम सीखेंगे। अपर लिम्ब में हमारे पास सबसे पहले तो क्लेविकल बोन है, शोल्डर डिसलोकेशन है और रिब्स फ्रैक्चर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसे हम जिसे हंसने की हड्डी भी कहते हैं, ये क्लेविकल बोन कहलाती है, अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है, रिब्स पसलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, या हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमरस फ्रैक्चर। ह्यूमरस बाजू की ये जो ऊपर वाली जो हड्डी होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं, इस हड्डी को। तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी आज सीखेंगे। स्ट्रेट एल्बो ज्वाइंट फ्रैक्चर, अगर हमारे कोनी एल्बो ज्वाइंट हम कोनी को कहते हैं, अगर ये सीधी है और टूट गई है तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे। सर बेंड एल्बो ज्वाइंट फ्रैक्चर, अगर हमारी एल्बो बेंड है और वो फ्रैक्चर हो गई है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे ये भी आज वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट हमारा है फोर आर्म फ्रैक्चर। फोर आर्म ये जो बाजू ये जो हिस्सा है बाजू का ये वाला हिस्सा इसे हम फोर आर्म कहते हैं। और अगर इसमें दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस ऊपर वाला जो बोन इसे हम रेडियस कहते हैं और नीचे वाले को अल्ना कहते हैं, अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आए साथी आगे, तो सबसे पहले जो आज हमने जो फ्रैक्चर काम करेंगे उसमें अगर रिब्स फ्रैक्चर हो गई है या क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो गई है या शोल्डर, उसके हवाले से हम तो सबसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल बैंडेज है, तो ये आपका जो सेंटर वाला कॉर्नर होगा इस पर आपने नॉट लगा देंगे नॉट। उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल इसकी लेफ्ट रिब्स फ्रैक्चर है तो उसकी मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँगा, तो ये आपने ट्रायंगल बैंडेज ये सेंटर में आपने नॉट लगाई, इस नॉट को एल्बो ज्वाइंट रख लें, इसे आपने ऊपर किया ये नॉट आ जाएगी आपके एल्बो ज्वाइंट में, उसके बाद ये आ जाएगा इसके यहाँ, इसे सेट करें तो इस तरीके से आपने किसकी ट्रीटमेंट है ये रिब्स फ्रैक्चर। अगर रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है तो जो बाजू जो होगा वो अपोजिट साइड वाला, कौन सा अपोजिट साइड, फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट साइड की रिब्स फ्रैक्चर है तो कौन से बाजू का हम ट्राई करेंगे राइट को, अगर राइट साइड की फ्रैक्चर है तो लेफ्ट साइड को। क्लेविकल बोन ये जो हंसनी की हड्डी जो होती है ये जिस साइड की फ्रैक्चर होगी, फ्रैक्चर मतलब टूट गई है, जिस साइड की ये हड्डी टूटेगी हम उसी साइड के बाजू को टाई करेंगे इस तरीके से, क्लियर हो गया। ये अब इसमें आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी राइट साइड की रिब्स फ्रैक्चर हो गई है तो मैंने लेफ्ट साइड रिब्स फ्रैक्चर है तो मैंने बाजू कौन से टाई किया राइट। दूसरा आप सोच सकते हैं कि इसकी राइट साइड की क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो गई है तो बाजू कौन सा होगा राइट साइड वाला, उसके बाद आप नॉट लगाएं, आई जी गॉस भेज दें, इसके आप लोग नॉट लगाएं। नॉट लगाने के बाद जहां पे आपने जिस्म के ऊपर नॉट लगाई है तो उसके नीचे एक पैडिंग रख लेंगे लाइक दिस ताकि प्रेशर ना बने यहाँ पे ऐसे। उसके बाद स्वैत दें बाजू की इस मूवमेंट को कि बाजू का ये मूवमेंट ना हो, इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हमें स्वैत का यूज करेंगे। स्वैत एक डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी होती है जैसे कि ये मौजूद है, ये आपने इसकी बाजू की मूवमेंट रोकने के लिए यहाँ पे से टाई कर दिया। और जहाँ पे भी आपने इसे टाई किया है उसके नीचे आपने नॉट लगाई है, गांठ लगाई है, ये वहाँ पे आपने गॉस पीस पैडिंग ट्राउज में रखनी है, क्लियर हो गया। अभी मैंने इसे इसका ट्रीटमेंट किया है क्लेविकल बोन का और ये मैंने रिब्स का ट्रीटमेंट किया है, मैंने मैनेज किया है। तो जब आप स्प्रिंटिंग वगैरह जो भी करते हैं उसके बाद में सी एस एम क्या करना है, सी फॉर सर्कुलेशन, आप इसमें ये रेडियल पर जो होती है तो चेक नहीं कर सकता, अगर वहाँ पे बैंडिंग वगैरह किया तो कैपिनी फिल चेक करूँगा। कैपिनी फिल में हमने सीखा था कि इसके नेल को हम प्रेस करेंगे, नेल का जो पिंक कलर होगा वो गायब होकर
वाइट हो जाएगा, इसे जैसे मैं छोड़ूंगा जो वाइट कलर दोबारा अगर पिंक कलर में टर्न हो जाए 2 सेकंड पहले पहले, इसका मतलब है सर्कुलेशन ठीक है। उसके बाद सेंसेशन सी एस, एस फॉर सेंसेशन, आप उसके रब करके देखें हाथ को जी फील कर रहे हो सेंसेशन इज ओके, मूवमेंट करें उंगली लाइन तो मूवमेंट इज ओके। तो ये आप लोगों ने सी एस एम जो होता है सब प्रिंट से पहले भी करना है और स्प्रिंट के बाद भी करना है, ओके हो गया। तो ये जो ट्रीटमेंट दी ये किसकी है, रिब्स की है और क्लेरिकल बोन की है। रिब्स में हम अपोजिट वाला बाजू टाई करेंगे, अगर राइट लेफ्ट साइड की रिब्स फ्रैक्चर है तो राइट वाले बाजू को टाई करेंगे इस तरीके से, अगर राइट वाला फ्रैक्चर है रिब्स पसलियां फ्रैक्चर है तो लेफ्ट बाजू को हम टाई करेंगे ऐसे, क्लियर हो गया। और क्लेरिकल बोन में सेम साइड में, शोल्डर डिसलोकेशन में भी सेम साइड में, इससे हम लोग अब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल है शोल्डर डिसलोकेशन का, वो है सेम ही लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए ये जो हमने सब पहले ये जो ट्राइंगल बैंडेज की हमने यहाँ से ये से गुजार सीधी यहाँ से, लेकिन अब इसे यहाँ से नहीं क्योंकि अब हमने शोल्डर को यहाँ पीछे सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हम पीछे से गुजारेंगे, तो ये नॉट यहीं पर आएगी, नॉट हर बार आपने एल्बो ज्वाइंट पर लगानी पकड़े जिसे करें, और दूसरा ये शोल्डर के ऊपर पीछे से, दूसरा हमने इसे शोल्डर के ऊपर यहां पर शोल्डर को सपोर्ट करने के क्योंकि शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, तो यहां पीछे हम इसे नॉट लगा देंगे, नॉट लगाने के बाद वही पैडिंग और उसके बाद क्या लगाएंगे स्वैप। अब इसमें क्या हुआ है कि शोल्डर डिसलोकेट था तो हमने शोल्डर को सपोर्ट किया, तो उसके बाद क्या हमने शोल्डर इसके मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे स्वैथ लगाएंगे। और जब हम स्वैथ लगाते हैं इसकी नॉट अपोजिट साइड पे लगती है, अगर ये वाला बाजू हमने टाई किया हुआ है तो ये वाला बाजू टाई किया तो नॉट किस तरह लगेगी लेफ्ट साइड पे, अगर इस बाजू को हम टाई करते हैं तो नॉट कहाँ लगती राइट साइड। चलिए ये हो गया हमारा, उसके बाद जहाँ पे हमने नॉट लगाई है बॉडी के ऊपर वहां पे क्या रखेंगे पैडिंग रखेंगे, और उसके बाद एंड पे क्या करेंगे सी एस एल कैपिलरी फिट चेक करेंगे, महसूस कर रहे हो महसूस कर रहे हो ओके, सेंसेशन प्रेजेंट किया ओके, उसके बाद ये आपने मूवमेंट उंगली लाइन मूवमेंट इज ओके, तो आपने सी एस एल हाथ पास करना जरा इसे ओपन करें। तो ये हमारा आज 3 प्रैक्टिकल हमने कर लिए, क्लेविकल का कर लिया प्रैक्टिकल, शोल्डर डिसलोकेशन का कर लिया और रिब्स फ्रैक्चर कर लिया, उसके बाद अब हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ह्यूमरस। ये जो बोन जो होती है ये इस बोन को हम क्या कहते हैं ह्यूमरस, अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई है और दूसरा इसके अंदर दूसरा जो प्रैक्टिकल आएगा स्ट्रेट एल्बो ज्वाइंट कोहनी का को हम एल्बो ज्वाइंट कहते हैं, अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसमें ह्यूमरस भी फ्रैक्चर हो गई है और एल्बो ज्वाइंट भी फ्रैक्चर हो गई है तो भी सेम ट्रीटमेंट है, अगर एल्बो ज्वाइंट अकेली फ्रैक्चर हुई है और वो सीधी थी स्ट्रेट मतलब क्या है सीधी, अगर वो सीधी थी और फ्रैक्चर हो गया तो भी वही ट्रीटमेंट एक ही है, अगर अकेला ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है तो भी वही ट्रीटमेंट है, अगर दोनों फ्रैक्चर हो गए हैं तो भी वही ट्रीटमेंट। इसमें हम करते क्या है सबसे पहले आपने स्मॉल सप्लिंट मीडियम सप्लिंट ये सप्लिंट है ठीक है, इसकी एक साइड हार्ड होती है और दूसरी साइड इसकी सॉफ्ट होती है, जो सॉफ्ट साइड होती है वो हमने बाजू की तरफ रखी होती है, ये बाजू है तो मैंने सप्लिंट यहाँ लगाया था, सॉफ्ट साइड यहाँ पे होनी चाहिए बाजू जिसके ऊपर बाजू हो वो क्या होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए, और स्प्रिंट लगाने से पहले हमने क्या करना है इसका साइज मेजर करना है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास इसका साइज हल्का सा बड़ा है लेकिन हम इसे यूज कर लेते हैं, तो जब भी आपने स्प्रिंट लगाना है सबसे पहले साइज क्लियर करना है, उसके बाद सी एस एम क्या करेंगे सी एस एम कैपरी फिल कैपरी फिल ओके फील कर रहे हो सेंसेशन इज ओके, फिंगर मूव करो मोटर फंक्शन या मूवमेंट इज ओके, उसके बाद मुझे पता है कि सबसे पहले क्या करो स्पीड लगाना है, स्पीड को जो मीडियम मैंने सॉफ्ट साइड इसके बाजू की तरफ ये बाजू इसका ये यहाँ पे लगा ओके हो गया, ये मेरे पास क्रेप बैंड आएंगे, तो आपने तो इसकी नेल्स को छोड़ देना है, नेल्स को इसको छोड़ देना है और थंब को छोड़ देना ताकि अगर आप लोगों को सी एस एफ करना पड़ जाए तो आप लोग इजीली कर लें, नेल्स को छोड़ दें आप,
और इस तरीके से आपसे मैनेज करेंगे। कोशिश करेंगे ये जो पेशेंट का बाजू है ये उसकी बॉडी के नजदीक ही रहे, ज्यादा दूर ना जाए क्योंकि फ्रैक्चर है इसे। एक क्लिप के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने क्या किया, मीडियम सबमिट लगाया है और उसके बाद आपने क्रेप बैंडेज यूज की है। अब इस पर ट्रू स्लैश कर लेंगे। अब ये इसकी ये वाली मूवमेंट या ये वाली मूवमेंट को भी हमने स्टॉप कर लिया। इसमें दो स्वैथ करेंगे, जो सबसे पहला स्वैथ है। और दूसरी बात एक मैं बोल रही हूँ, आपने जब सबमिट कर लिया बैंडेज के तो क्या करेंगे, सी एस एस एम सी में जो चेक करूंगा सर्कुलेशन इज ओके। महसूस कर रहे हो आप? यस सर। सेंसेशन इज ओके, फिंगर लाओ, मूवमेंट या मोटर फंक्शन इज ओके। अब मैंने क्या करना है, स्वैथ लगाना है। स्वैथ क्या होता है, वो एक से डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी होती है, ठीक है, वो आपके बाजू की मूवमेंट। सबसे पहला स्वैथ लगाना है आपने चेस्ट लाइन में, निप्पल लाइन में। अब उसे सांस लें, आपने सांस लें, जहाँ पर वो सांस लेंगे तो वहाँ पर आपने क्या कर देना है, टाई कर देना, ताकि उसे बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो जहाँ पर भी नॉट लगाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे, पैडिंग रखेंगे। दूसरा जो स्वैथ जो होगा वो हम रखेंगे इसे बेल्ट लाइन में, वहां पे लगाएंगे बेल्ट लाइन। जो फ्रैक्चर की जो ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हमने जो हड्डियां टूट जाती हैं उनकी मूवमेंट को स्टॉप करना होता है, कम से कम करना होता है। अदरवाइज अगर हम उसकी मूवमेंट को स्टॉप नहीं करेंगे तो जब हड्डियां टूटती हैं तो वो नोकदार बन जाती हैं, आगे नोक नोक निकल आती है उनकी। तो फिर क्या होगा, अगर वो नोक निकल आती है तो अगर वो नोक जो कि शार्प एजेस जो होंगे वो आर्टरीज या वेन्स में धंस जाए, हमें रैप्चर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तो फिर क्या होगा, मजीद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब भी फ्रैक्चर हो तो उसके बोन्स को, उस पार्ट की मूवमेंट को स्टॉप करें, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास एक आगे हमने किया है, इस ट्रीटमेंट में हमने ह्यूमरस का फ्रैक्चर को कवर किया है, स्ट्रेट एल्बो ज्वाइंट। अगर एल्बो ज्वाइंट क्या है, स्ट्रेट है, ये दोनों अगर सेम एक ही पेशेंट में है तो भी ही ट्रीटमेंट है। अगर अकेले अकेले है, अगर स्ट्रेट एल्बो ज्वाइंट है तो भी ये ट्रीटमेंट है, अगर अकेला ह्यूमरस फ्रैक्चर है तो भी ये ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमने चला चला करना है नेक्स्ट हमारा ओपन करेंगे इसे बैंड एल्बो ज्वाइंट, कि अगर एल्बो ज्वाइंट बैंड हो गई है और वो टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हमने अभी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले इसे आप रिमूव कर लें। तो ये हमारा एक फ्रैक्चर का हो गया। तो दूसरा हमारे पास है बैंड एल्बो ज्वाइंट, कि एल्बो ज्वाइंट इस तरीके से ये बैंड हो गई है, तो आपने इसे सीधा नहीं करना, अदरवाइज मजीद नुकसान होगा, मजीद टूट जाएगी। तो अगर यहाँ पे है तो आपने इसी तरीके से इसे स्प्रिंट लगा रहे, इसकी मूवमेंट को स्टॉप कर रहे हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या काम करते हैं, दो स्प्रिंट हमें ले लेते हैं, स्मॉल स्प्रिंट। क्या करेंगे, स्मॉल स्प्रिंट। और उससे पहले हमने क्या कर रहे हैं, स्प्रिंट से पहले सी सर कैपेबिलिटी चेक कर लें, सर्कुलेशन ओके, महसूस कर रहे हो, सेंसेशन इज ओके, फिंगर्स लाओ, मूवमेंट इज ओके, ओके हो गया। उसके बाद दो स्प्रिंट्स, स्मॉल स्प्रिंट, आप इसकी साइड चेक कर लें, सॉफ्ट साइड, जो सॉफ्ट साइड होगी वो रखनी है आपने, उसके ऊपर बाजू रखनी है। दूसरा दूसरे की भी सॉफ्ट साइड चेक करें, वो दूसरा इसके ऊपर ऐसे आ गए, ओके हो गया, ओके हो गया जी। ये आप रैबिट्स लगाएंगे हम इसे पकड़े। तो उसमें सबसे पहले देख लें, सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसे बाहर निकाला, नीचे से निकाला, ये देख लें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रैबिट्स हैं, इससे हम वो मटेरियल जिससे हम स्प्रिंट्स को बांधते हैं इस तरीके से जो होगी तो क्या कहलाते हैं, क्रैबिट्स। तो ये मैंने देखो सिंपल सा निकाला है यहाँ से, उसके बाद क्या किया, क्रॉस बनाया, तो टाई किया, क्रॉस बनाया और इस हिस्से को बाजू के अंदर से बाहर लेके आया, ये आपने आया, समझ आइए। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें
सिर्फ सिंपल सा सिंपल है, यहाँ से इसे ये देखते ये किया, उसके बाद ये क्रॉस बन गया, क्रॉस हो गया। थोड़ा सा इसे टाइट करें और बाजू के इधर ले माइनस आ गया ये। अब इन सिरों को दोनों क्या करें आप टाइट कर दें, टाई करने के बाद जो सिरे बच जाते हैं इन्हें आप स्पेस होती है वहां पे स्क्योर कर सकते हैं। दूसरे इधर दूसरा भी सेम ही है, दूसरा क्रेवेट हमने यहाँ पे इसे टाई करना है यहाँ से। ये देखिए इसका भी सेम, ये आपने यहाँ से निकाला है, कोई मुश्किल नहीं है, ये निकाला यहाँ से। निकालने के बाद ये एक सिरे को बाजू के ऊपर से लेके आए और यहाँ पे लाके क्या किया हमने नॉट लगा दिया। अब इससे होगा क्या कि वो बाजू अगर सीधा करना भी चाहे तो सीधा नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम अब इसके ऊपर स्लिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसको स्लिंग लगाने का तरीका देख लें। ये आपने किया ये एक हिस्सा आपने सीधा ऊपर आ गया यहाँ पे, ये ऊपर आया आप और ये आपने नॉट हमेशा एल्बो ज्वाइंट पे आएगी। उसके बाद ये आपने इसे इधर किया, इसे आप सेट करें, जी टाई करें, जहां पे भी आप बॉडी के ऊपर टाई करेंगे वहां पे क्या करेंगे पैडिंग लगाएंगे। और उसके बाद करने के बाद आपने क्या करना है स्वैप लगाना। स्वैप के मैंने पहले भी बताया था कि जो जिस साइड का बाजू होगा उससे अपोजिट साइड पे हमने क्या करना है, ये आप यहां पे लाके इधर इसे नॉट लगा दें। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि मूवमेंट कम से कम हो, जितनी भी मूवमेंट को हम स्टॉप कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जब मैं नॉट लगाई तो मैं यहाँ पे पैडिंग लगाऊंगा, ओके हो गया, मेरी से प्रिंटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैंने क्या करना है इसे सी एस एम क्या करूंगा, कैपिली फील सब कुछ ओके महसूस कर रहे हो, सेंसेशन इज ओके, फिंगर्स लाओ, मूवमेंट इज ओके। तो ये ट्रीटमेंट किसकी है बैंड एल्बो ज्वाइंट। अभी तक हमने कर लिया है हिप्स का, कर लिया है क्लैविकल बोन का, शोल्डर का, ह्यूमरस का कर लिया है, स्ट्रेट एल्बो ज्वाइंट कर लिया और बैंड एल्बो ज्वाइंट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो है फोर आर्म फ्रैक्चर। कौन सा होगा फोर आर्म फ्रैक्चर होगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर आर्म हमारा ये वाला हिस्सा है, इसे हम फोर आर्म कहते हैं। इसमें हमारी दो बोन्स पाई जाती है, एक रेडियस और दूसरी जो ऊपर वाले, जहाँ पे हम रेडियल पल्स चेक करते हैं इस बोन को हम क्या कहते हैं रेडियल या रेडियस, और जो नीचे वाले उसे क्या कहते हैं अल्ना। तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें स्मॉल स्प्रिंट चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा स्मॉल स्प्रिंट। इसका साइज मेजर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट वाला बाजू फ्रैक्चर है तो साइज कहाँ से मेजर करेंगे लेफ्ट बाजू, अगर लेफ्ट वाला फ्रैक्चर हुआ तो साइज उससे पहले क्या करेंगे सी एस एम कैपिलरीफिल चेक करूंगा मैं, सेंसेशन सर्कुलेशन ओके महसूस कर रहे हो, सेंसेशन इज ओके, फिंगर्स मूवमेंट करो मूवमेंट इज ओके। तो अब मैंने इसे साइज मेजर कर लिया है, साइज चेक कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे सॉफ्ट साइड चेक करूँगा, ये हार्ड साइड है लेकिन ये सॉफ्ट साइड है। अब बाजू को मैं सॉफ्ट साइड के ऊपर रखूंगा, इसे बाजू को सॉफ्ट साइड के ऊपर रखना है, स्प्रिंट को कभी ऐसे नहीं रखना बॉडी के यानी कि बाजू के ऊपर स्प्रिंट नहीं रखते बल्कि बाजू को स्प्रिंट के ऊपर रखते, ओके हो गया। उसके बाद ये बैंडेज, इसके मैं नेल्स को जैसे हमने डिस्कस किया नेल्स को ओपन छोड़ूंगा मैं इसे, ताकि मुझे अगर सी एस एम की जरूरत पड़ जाए तो मैं इजीली कर सकूं। हम थंब को भी छोड़ देंगे, थंब को भी कवर नहीं करते। इस तरीके से मैंने इसकी बैंडेज की, और बैंडेज करते हुए मेरी कोशिश होनी चाहिए, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि पेशेंट की जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि हमारी गलत मूवमेंट की वजह से वो जो नोक बनी है हड्डियों की वो आर्टरीज या वेन्स खून की नाले में घुस जाए और वो मजीद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो हमारे लिए नया मसला पैदा हो जाएगा। इसे उसकी मूवमेंट को कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो ये मैंने इसी क्रेप बैंडेज कर दी है। हमने पढ़ा था क्रेप बैंडेज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग के चांस होते हैं, और जो फ्रैक्चर वाली जगह या डिसलोकेशन वाली जगह होती है वहाँ पे
फ्रैक्चर के होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये मैंने स्मॉल स्प्रिंट लगाया, बैंडेज किया है, इसमें भी हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे। ट्रायंगल हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इसे लगाते कैसे हैं, ये एक कॉर्नर इसको लिया और ये सीधा शोल्डर पे, और जो नॉट होती है वो हमेशा एल्बो ज्वाइंट पे आएगी। दूसरे की मदद से हम इसे यहाँ पे करेंगे, वेरी सिंपल तरीका है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद जहाँ पे आपने नॉट लगाई है वहाँ क्या करेंगे, पैडिंग रखेंगे। ये मैंने पैडिंग रखी और इसमें भी एक स्वैथ यूज करेंगे। मैंने बताया था कि जो बल टाई किया होगा स्वैथ उसके अपोजिट साइड पे टाई करेंगे। ये मैंने यहाँ से लिया और मैंने इधर से, ये रस्सी की तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, रस्सी की तरह ये ना हो। जब मैंने इसे टाई किया, टाई करने के बाद वही पैडिंग, इसके नीचे मैंने पैडिंग रखी। पैडिंग को रखने के बाद मैंने क्या करना है, सीएसएम कैपिलरी मैंने चेक की, सर्कुलेशन ओके, महसूस कर रहे हो, सेंसेशन इज ओके, फिंगर्स लाओ, मूवमेंट या मोटर फंक्शन इज ओके, गुड हो गया। तो ये आज के हमारे प्रैक्टिकल थे अपर एक्सट्रीमिटीज के, जिसमें हमने अपर एक्सट्रीमिटीज भी हम बाजुओं को कहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर लिम्स भी हम बाजुओं को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिम्स की बात कर रहा हूँ या एक्सट्रीमिटी की, दोनों का मतलब क्या है, बाजू या लेग्स। जब अपर लिम्स या अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करूंगा इसके मतलब लगे दोनों बाजू, अगर लोअर लिम्स की बात करूंगा तो दोनों टांगे। तो हमने अब अपर एक्सट्रीमिटीज में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने सीखा था क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर, क्लेविकल बोन, उसके बाद शोल्डर डिसलोकेशन, अगर हमारा कंधा जो उतर गया है, दूसरा रिब्स फ्रैक्चर, अगर हम पसलियां टूट गई है, उसके ट्रीटमेंट हमने पढ़ा। ह्यूमरस फ्रैक्चर, ये वाली बोन जो होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ये फ्रैक्चर हो गई है, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट स्ट्रेट था वो फ्रैक्चर हो गया, उसका ट्रीटमेंट हमने सीखा है। उसके बाद हमने बैंड एल्बो ज्वाइंट, अगर एल्बो ज्वाइंट बैंड है तो उसके ट्रीटमेंट हमने सीखी है। उसके बाद हमने फोर आर्म ट्रीटमेंट सीखी है। तो ये आपके फ्रैक्चर्स थे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं लेग्स के हवाले से हैं उनकी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे, उनके सपेंडिंग सीखेंगे, सपेंडिंग करते कैसे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है, अगर हम सही टाइम पे फ्रैक्चर को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सी इंजरी से हम बच जाते हैं, ब्लीडिंग से बच जाते हैं। तो इसे सीखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का वो लाजमी तौर पर आप लोग डिस्कस किया करें, पूछा करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या लोअर फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, मन लव, थैंक्स।